हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसबी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीएस टॉपिक्स का यह तीसरा एपिसोड है। इससे पहले जो दो एपिसोड हुए हैं उसमें फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है यूरोपीय कंपनियों की स्थापना एवं भारत में आगमन का क्रम। फिर दूसरी जो एपिसोड थी, दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो थी। तो इस सीरीज का मेन मकसद है कि जो रिवीजन होना चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एग्जाम में जाने से पहले, वह आपको कर लेना है और बहुत अच्छे से कर लेना है, ताकि इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएँ उनमें से कोई भी सवाल नहीं छूटे या वो गलत नहीं हो। रिवीजन हो तो डाउटलेस रिवीजन हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिख गुरुओं की सूची या सिख संप्रदाय, तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सिख संप्रदाय में जितने भी गुरु हुए उन गुरुओं के बारे में। हम जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं उसे हम लोग याद कर लेंगे या उसे बहुत अच्छे से देख लेंगे। तो सबसे पहले हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव के बारे में आपको पता होगा कि इनका जो जन्म हुआ था वह 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। ये तलवंडी कहाँ है? तो तलवंडी आपको अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में है तलवंडी। इनकी मृत्यु जो हुई थी करतारपुर, यह अभी अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। अभी रिसेंटली क्या इम्पोर्टेंट है? तो रिसेंटली 550वीं जयंती जो प्रकाश वर्ष के रूप में मनाई गई, यह गुरु नानक देव के 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाई गई। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने ही सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, तो सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। यह आपको याद रखना है किसी भी हाल में, या ये अंडरस्टूड भी है जो लोगों को पता होता है। सेकंड पॉइंट है कि संगत और पंगत। तो आप ये पूछेंगे कि भाई संगत क्या होता है, पंगत क्या होता है? तो संगत मेनली हम लोग जो जनरल टर्म है कि एक संघ हुआ, तो उस समय का जो टर्म था धर्मशाला एक तरीके से, उसको संगत कहा जाता था। और पंगत जो होता था, पंगत यानी कि अभी का जो टर्म है पांत में खाना, तो पंगत होता था कि एक लंगर व्यवस्था होती थी जिसमें बहुत सारे सिख समुदाय के लोग या कोई भी पर्सन उसमें जाके वो पंगत में प्रसाद ग्रहण कर सकता था। अभी भी बहुत सारे प्लेसेस पे ये पंगत लगते हैं। तो गुरु नानक देव से रिलेटेड जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हो गई, इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, 1469 में तलवंडी में हुआ था। इनका जो निधन हुआ वो 1539 ईस्वी में हुआ, वो भी करतारपुर में हुआ। जन्म और मृत्यु या निधन जो इनका हुआ वो दोनों क्षेत्र पाकिस्तान में है। करतारपुर से रिलेटेड भी न्यूज़ था रिसेंटली, अभी जो कॉरिडोर बना है। तो जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको याद रखना है, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, इन्होंने संगत और पंगत की स्थापना की थी, इसकी शुरुआत की थी उन्होंने। अगर आपसे पूछे कि इन्होंने जो सिख धर्म की स्थापना की वह किसके समय में की, तो उस समय जो शासक था वह सिकंदर था। तो सिकंदर के समय में सिख धर्म की स्थापना हुई थी, इतना ध्यान रखिएगा। सिकंदर का शासनकाल क्या था? 1517 ईस्वी तक था, ये सिकंदर का शासनकाल था। तो सिकंदर के टाइम में ही ये सिकंदर लोदी, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वो सिकंदर जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, वो सिकंदर नहीं, ये सिकंदर लोदी हुआ, लोदी वंश, लोदी डायनेस्टी का 1489 से 1517 ईस्वी जो शासनकाल था, उसी के समय गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी और संगत और पंगत की व्यवस्था की थी। ये जो पॉइंट्स हमने एक्स्ट्रा आपको बताई, ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। सिख संप्रदाय के जो दूसरे गुरु हैं वो हैं गुरु अंगद देव। तो गुरु अंगद देव के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने गुरुमुखी एक नई लिपि का निर्माण किया था, या गुरुमुखी लिपि का इनको जनक भी कहा जाता है। और इसी के साथ साथ इन्होंने गुरु नानक देव जी ने जो उपदेश दिए थे उसको इन्होंने स्थानीय भाषा में संकलित किया था। इसी के साथ साथ जो लंगर व्यवस्था थी जो गुरु नानक देव ने शुरू की थी उसको इन्होंने रेगुलर बना दिया या स्थायी बना दिया। तो गुरु अंगद देव के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है वो ये है कि गुरुमुखी लिपि जो थी, वो गुरुमुखी लिपि का निर्माण किसने किया, या गुरुमुखी जो लिपि है उसके जनक कौन है। सिख संप्रदाय के जो तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जी के बारे में कुछ चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे गुरु नानक देव और गुरु अंगद देव ने हिंदुओं से अलग होने जैसा कोई पद्धति की शुरुआत नहीं की थी, लेकिन गुरु अमरदास ने एक लवण प्रथा की शुरुआत की। यह एक प्रकार की विवाह पद्धति थी जो हिंदुओं से अलग थी, जो सिखों को हिंदुओं से अलग करती थी।
एक दो पॉइंट और भी महत्वपूर्ण ये हैं कि इन्होंने जो सती प्रथा था, इन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया। सती प्रथा के विरोध के साथ साथ कुछ चीज़ों को इन्होंने बढ़ावा भी दिया, जैसे कि अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह, विधवा विवाह जैसे चीज़ों को भी इन्होंने बढ़ावा दिया और अंतरजातीय विवाह को भी इन्होंने बढ़ावा दिया था। तो गुरु अमरदास के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको याद रहना है वो ये है कि हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति जिसको हम लोग जिसको लवन कहा जाता था, इसका प्रचलन इन्होंने किया था। जो चौथे गुरु हैं, अमृत सरोवर जो एक था, अमृत सरोवर नामक एक शहर की स्थापना की थी जिसको हम लोग बाद में अमृतसर या अमृतसर के नाम से जाना जाता है। तो अगर सवाल पूछे कि अमृतसर नामक शहर की स्थापना किसने की थी, तो गुरु रामदास जी ने की थी। इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये अकबर के समय में थे। अकबर का शासनकाल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो अकबर जो था इनसे बहुत प्रभावित रहता था, और अकबर 1556 से आपको 1605 ईस्वी में था। तो अकबर गुरु रामदास जी से बहुत प्रभावित रहता था, और एक बार की बात है कि गुरु रामदास जी के कहने पर ही अकबर ने पंजाब का एक साल का लगान माफ कर दिया था। तो गुरु रामदास जी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अमृत सरोवर नामक एक शहर की स्थापना की थी इन्होंने, जिसे बाद में अमृतसर के नाम से जाना जाता है। तो अमृतसर नामक शहर की स्थापना किसने की, तो गुरु रामदास जी ने। पांचवें जो हमारे गुरु हैं, यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि कुछ ऐसे कार्य इन्होंने किए जो एग्जाम में अक्सर पूछता है। गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव कैवें गुरु हैं ये कैसे याद रहेगा, तो पांडव जो थे पांच थे, तो अर्जुन पांचवें गुरु हैं, इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि अर्जुन पांडवों में से एक थे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है स्वर्ण मंदिर का निर्माण, और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी जो सिख संप्रदाय का आगे चल करके धार्मिक ग्रंथ बना। तो जो अमृत सरोवर था जिसका निर्माण गुरु रामदास जी ने किया था, उसमें हरमिंदर साहिब का इन्होंने निर्माण करवाया था। हरमिंदर साहिब मतलब कि स्वर्ण मंदिर। मैं ये दिखाता हूँ आपको पिक्चर के थ्रू, ये आप देख सकते हैं, ये जो बीच में है ये हरमिंदर साहिब है, इसका निर्माण इन्होंने कराया था। यही वो सरोवर है अब जिसको बाद में मॉडिफाई करके इतना सुंदर बना दिया गया। और ये जो आसपास का जी जो शहर है, ये अमृतसर शहर हुआ आपको, ये जो सरोवर हुआ मेनली, ये अमृत सरोवर इसको बोलते हैं, ये सरोवर अमृत सरोवर हुआ, इसी में ये हरमिंदर साहिब हुए, ये हरमिंदर साहिब हो गया आपको। तो गुरु अर्जुन दास से रिलेटेड जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था, और इन्होंने आदि ग्रंथ जो कि सिख संप्रदाय का जो धार्मिक ग्रंथ बना आगे चल करके, इसकी रचना इन्होंने की थी। इनके बारे में जो सबसे एक और महत्वपूर्ण बात है या दुखद बात है वो यह कहिए कि जहांगीर ने इन्हें फांसी दे दी थी 1606 ईस्वी में। तो फांसी क्यों दिया गया था इनको, क्योंकि जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो, उसकी सहायता गुरु अर्जुन देव ने की थी। तो जहांगीर को जब पता चला कि खुसरो की सहायता इन्होंने की है, तो आगे इनको फांसी दे देता है गुरु अर्जुन देव को जहांगीर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे जो गुरु हैं वह हैं गुरु हरगोविंद। ये छठे गुरु हैं आपको सिख संप्रदाय के। तो इनसे रिलेटेड जो दो महत्वपूर्ण चीज़ें वो ये हैं कि सिख पंथ को इन्होंने योद्धा का रूप दिया। पहले जो सिख थे वह योद्धा के रूप में नहीं थे, लेकिन जब उस समय के जो मुगल शासक थे उनके साथ जब कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया, वैचारिक मतभेद जब होने लग गया संप्रदाय को लेकर के, वो मुस्लिम धर्म के अपनाने की बात करते थे, ये अपने सिख धर्म की बात करते थे, तो जब कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया तो गुरु हरगोविंद जो थे उन्होंने सोचा कि अब सिख को योद्धा का रूप देना चाहिए। और जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट था अकाल तख्त का निर्माण, अकाल तख्त का निर्माण भी गुरु हरगोविंद जी ने ही किया था। तो योद्धा के रूप में अस्त्र शस्त्र का इन्होंने प्रशिक्षण दिया, ठीक है, सिख पंथ जो था उसको इन्होंने कम्प्लीटली योद्धा का रूप दे दिया, प्रदान कर दिया कि अब आप वॉरियर के रूप में लड़ भी सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड तो इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें और भी हैं कि ये एक छोटी सेना भी बन गई। तो उस सेना के कारण ही जो जहांगीर था वो इनको अरेस्ट कर लेता है। तो अरेस्ट होने के बाद में जब वो रिहा होते हैं, तो रिहा होने के बाद उनका एक युद्ध होता है अमृतसर में, और ये मुगल फौज को हरा देते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि हरगोविंद सिंह मुगल फौजों को, अपनी जो सेना थी सिख संप्रदाय की, उससे वो हरा देते हैं, ठीक है। और इनको इनके जो मृत्यु है आपको या निधन है वो 1666 ईस्वी में हुआ था। कीरतपुर एक पंजाब के पास में प्लेस है, कीरतपुर में इनका
निधन हुआ था कीरतपुर पंजाब में। सातवें सिख गुरु हैं गुरु हर राय। इनके बारे में कुछ बहुत विशेष जानकारी नहीं है, तो इनके बारे में एग्जाम में जो एक क्वेश्चन एक पूछता है कि औरंगजेब के एक भाई थे सिकोह, इसकी मदद किस सिख गुरु ने की थी? तो औरंगजेब का जो भाई था सिकोह, उसकी मदद गुरु हर राय ने की थी। तो गुरु हर राय सातवें हैं। छठे हो गए आपके गुरु हरगोविंद। आठवें जो सिख गुरु हैं वह गुरु हरकिशन है। तो गुरु हरकिशन जी से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि सिर्फ 5 वर्ष की आयु में यह सिख गुरु बन गए थे, जिसका विरोध औरंगजेब ने किया था। चूंकि औरंगजेब इनका विरोध कर रहा था, इसलिए औरंगजेब से मिलने या दिल्ली जाते हैं, और उस समय चेचक या हैजा फैला हुआ होता है, जिसके कारण इनको चेचक की बीमारी हो जाती है और जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। सिर्फ 9 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो गुरु हरकिशन जी से रिलेटेड ये एग्जाम में सवाल पूछता है कि वो कौन से सिख गुरु थे जिनका निधन चेचक के कारण हुआ, या वे कौन थे सिख गुरु जो सिर्फ 5 वर्ष की आयु में आपको सिख गुरु बन गए थे। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं गुरु हरकिशन से रिलेटेड। 9वें सिख गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी एग्जाम में पूछ सकता है। आनंदपुर साहिब की स्थापना किसने की थी? तो गुरु तेग बहादुर ने की थी। जो एग्जाम में पूछता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। तो हत्या इनकी क्यों करवाई गई थी? क्योंकि इन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया था। औरंगजेब के बहुत प्रलोभन देने के बाद भी गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था, जिसके कारण इनकी हत्या करवा दी गई थी। गुरु तेग बहादुर जो थे, इनके स्मरण में अगर आप दिल्ली जाएंगे तो चांदनी चौक पे इनके स्मरण में शीशगंज साहिब गुरुद्वारा वहाँ पे एक है जो काफ़ी फेमस है। तो गुरु तेग बहादुर के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि औरंगजेब के आदेश पर इनकी हत्या कर दी गई थी। हमारे 10वें अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सिख गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वह गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का सर कलम कर दिया था, इसलिए गुरु गोविंद जो थे वो मुगलों के प्रति या औरंगजेब के प्रति, जो दूसरे मुगल शासक थे उनके प्रति बहुत रोष था इनमें। तो इन्होंने क्या किया, जो इनके सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछता है, वो ये है कि इन्होंने गुरु पद को समाप्त कर दिया था। और गुरु ग्रंथ साहिब की रचना इन्होंने की थी। तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना तो हमारे गुरु अर्जुन देव ने की थी। तो गुरु अर्जुन देव द्वारा जो स्थापित या बनाया गया गुरु ग्रंथ साहिब था, इसी को इन्होंने आगे गुरु घोषित कर दिया। और खालसा पंथ नामक सैनिक दल की इन्होंने स्थापना की थी, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपको पूछता है इस रिलेटेड कि खालसा पंथ की स्थापना किन्होंने की। तो इनसे रिलेटेड जो और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको एडिशनल पूछ सकता है, वो ये है इनका जन्म कहाँ हुआ। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इनका जन्म पटना में हुआ, जो बीपीएससी में पूछ सकता है। 1666 ईस्वी में पटना में हुआ गुरु गोविंद सिंह का जन्म। इन्होंने 5 ककार यानी कि कड़ा, कृपाण, कंघा, केस और कक्षा, इसका भी प्रचलन किया। यानी कि आप जो सिख थे, जो सिख धर्म मानते थे, उनको इन 5 ककारों का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया गया था। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे इन्होंने नाम में सिंह और कौर ये लगाने का सजेशन दिया कि आप ये नाम लगाइए, इसका इन्होंने प्रारंभ भी किया। तो इनका जो निधन हुआ वो नांदेड़, जो कि महाराष्ट्र में है, एक अफगान सरदार द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। तो गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ये हैं जो एग्जाम में पूछता है कि गुरु पद समाप्त किन्होंने किया और गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु किन्होंने बनाया। तो गुरु गोविंद सिंह ने बनाया, जो कि सिख के 10वें गुरु थे, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। और खालसा पंथ नामक सैनिक दल की स्थापना किन्होंने की? तो खालसा पंथ नामक सैनिक दल की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। इनका निधन जो हुआ वो 1708 ईस्वी में हुआ था, लेकिन बहुत सारे प्लेसेस पे आपको 1699 मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। 1699 में इनका निधन नहीं हुआ था। 1708 ईस्वी में नांदेड़ में अफगान सरदार द्वारा इनकी हत्या की गई थी, उस समय इनका निधन हुआ था। तो इस वीडियो में हमने सिख गुरुओं के बारे में चर्चा की, जो 10 सिख गुरु थे उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।